रोवत रोवत मालिक पहुंचल बड़ी शमशान घाट, अंधकार हो गई बा मालिक। भीतर जब जाता रही कहीं कहीं लाश चरता, कहीं खुजंजोर बा, कहीं अनहार बा, बाकी रानी रहली। कतनो पंडितानी के नौकरी कैली, मुर्दा घाट में मेहरारू होके गोइल ना रहली। जब पहुंचल बड़ी तने बढ़ जाओ चारू ओरी अलागोता भाया मोर, तेरे डरावो न लागे चारू ओरी अलागोता कुकुरा फारो तो मायो तरी आसिया वाले के भागवत फटरी जेने देखो से लोग को तांगी ना शमशान घाट का मालिक हरिया बैठा हुआ है यहाँ पर। बिना कर्क फंदिए ना कोई लाश फेंका जाएगा, ना दफनाया जाएगा और ना ही जलाया जाएगा। आवाज सुनली तब बुझाइल कि हमारा पति देव के दिशा नवाज लगे जा करी ना अधजला लाश के छोड़ के चल जला कुबेरा फूके गई लपो। एक अधजला लाश रहे मरमस प्रोया के हवा जो फाइदे आग धेल बा बलिकार। आज बाजोर में देखली चेहरा राजा हरिश्चंद्र रानी के देखले, दोनों जना काम भरची न गईलो। कहले कि राजा, कहले कि हाँ हमारा राम भरिया हो, हमारा केहू नहीं खे, हम अपना मलिकार के ड्यूटी करतनी बिना कर के फन के लाश। कहले कि आधा तो फार गई का कल पिटले बनी, अब टैक्स के हर कर कहाँ से देवे जाई हम। कहले कि ना राजा के पर्यटक मंगाए चाहता। कहले कि रानी हई गोदी में लेले बड़ू इलाज के कर हो। कहले कि हे स्वामी इलाज के कर हो, अतः इलाज तहरा और के कर हो। कहले कि हे स्वामी इलाज और वह बेटा रोहित का नहीं। रानी लड़का मर गए। कहले कि हाँ सरकार को सहू। कहले कि ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, सत्य के पालन खाती हवाले आई बनी। आई डोम के गाड़ी सुनी मेहर बेच रहनी, लड़का मारल गई बिना टैक्स ले हले हम तरह के जाए ना देवी। जब बड़ा सुंदर गुल हरी गीत लिख रहे कि राग भैर भी हो बतिया हुए का हाई तनी भर लिया बता। कहले कि जब रवा ना मानो सुन ली हमार व्यथा का बा। सारी के फारी सारी के फारी हर बनवनी का फानवा आयो धवे से पुपली हा बदनवा सजनवा। हे स्वामी आज अपना गति पर वतनी जिकर नजर के सामने देवता लो ले जात रहे पूरा ब्रह्मांड में जिकर हक रहे आज समय कोई सना कर। धर्म के खाती स्वामी समरात के नौकरी करो तो मारा आके मुंडा घात के सत्य के प्रचार के रुपले रही है एड़ी रुपले रही है एड़ी नहीं डोले चारा नवा रुपले रही है एड़ी नहीं डोले चारा नवा अबे सुपुले पानी कदमे सजा रहा।